साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अपने शिक्षक साथी जो स्थानांतरण चाहते हैं और स्थानांतरण नीति के तहत सत्र 2022-23 के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण हेतु आवेदन करना है और इसका प्लेटफॉर्म है एजुकेशन पोर्टल। एजुकेशन पोर्टल विगत 2-3 दिनों से आँख मिचौली कर रहा है, कभी ऑप्शन खुलता है कभी ऑप्शन बंद हो जाता है। तो प्रिय मित्रों शिक्षक साथियों, आज फिर ऑप्शन खुला है तो नए अपडेट के साथ आज 3 अक्टूबर को किन अपडेट्स के साथ में आपको ऑनलाइन स्थानांतरण हेतु आवेदन करने के लिए किस तरीके से पोर्टल में नया अपडेट आया है, आइए शीघ्रता से आपस में चर्चा कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। एजुकेशन पोर्टल में किस तरीके से लॉगिन करना है आपको पता है। जैसे ही हम एजुकेशन पोर्टल में पहुंचते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन स्क्रीन में जो आपको सामने दिख रही होगी वो आपको भी दिखेगी। स्थानांतरण नीति 2022 के तहत आवेदन, तो 10 अक्टूबर तक इसके लिए आवेदन की तारीख निश्चित की गई है और साथ में बताया गया है कि आपको रजिस्टर करने के लिए विकल्पों को OTTMS टीचर्स ट्रांसफर मॉड्यूल पर जाना होगा। इसे आपको क्लोज कर देना है और सीधा लॉगिन पर क्लिक करना है अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से। फिर रिपीट करूंगा, जिस शिक्षक साथी को वो स्थानांतरण चाहिए वो अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। सफलता पूर्वक लॉगिन करने के बाद आपका ये चिर परिचित होम पेज एजुकेशन पोर्टल का आपकी नजरों के सामने होगा। यहाँ पर आपको जैसा कि पहले कई बार बताया गया, आपको पहुँचना है इस आइकन पर, टीचर ट्रांसफर पर। जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे तो बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे अगर यहाँ पर, तो टीचर ट्रांसफर एप्लीकेशन का एक नया ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया गया है। इस पर जैसे ही आप कर्सर ले आएंगे माउस, तो आपको पहले 5 ऑप्शन आपको दिखते थे, अब एक बहुत ही ज़बरदस्त नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है जिसका नाम है व्यू माई वैकेंसी। तो रजिस्टर एप्लीकेशन, रजिस्टर चॉइस चॉइस, प्रिंट ड्राफ्ट एप्लीकेशन, लॉक एप्लीकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन, शीघ्रता से मैं इस पर चर्चा करके, और जो नया ऑप्शन ऐड हुआ है व्यू माई वैकेंसी, जो इस ट्रांसफर अभी तक के जितने ऑप्शन इसमें ऐड हुए हैं ये इसकी ब्यूटी है, इस पर चर्चा करूँगा। तो रजिस्टर एप्लीकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका यूनिक आईडी इंटर करने के बाद आपकी पूरी कुंडली आ जाएगी। फिर इसके बाद में आप रजिस्टर कर लेंगे तो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। फिर इसके बाद आप ड्राफ्ट एप्लीकेशन प्रिंट करेंगे, साइन करेंगे, अपलोड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको सब पता है। फिर इसके बाद इसको लॉक कर देंगे, लॉक करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखेंगे। तो चलिए हम प्रॉपर तरीके से पूरी प्रक्रिया समझते हैं। तो इसमें ये पहला ही ऑप्शन क्यों दिया गया है व्यू माई वैकेंसी, इसका एक कारण है कि पहले आप बढ़िया आश्वस्त हो लें कि आप जहाँ पर स्थानांतरण चाहते हैं, जिस जगह, जिस जिले पर, जिस विकास खंड पर, तदानुरूप आप अपनी वैकेंसी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं, यहाँ से विकास खंड चूज कर सकते हैं, और पैनल आपने जिस यूजर आईडी से लॉगिन किया है वो लॉक रहेगा, क्योंकि एजुकेशन पोर्टल को पता है कि आपका पैनल क्या है, आपका आपकी यूनिक आईडी आपके किस नाम से है, किस विषय से है, किस विषय पैनल से है। बस केवल यहाँ पर आप जिला विकास खंड चूज करके अथवा डाइस कोड इंटर करके पर्टिकुलर, और यहाँ से आप व्यू वैकेंसी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर वैकेंसी पोस्ट कोड भी आपको दिखेगा और वैकेंसी सबसे महत्वपूर्ण है अवेलेबल वैकेंसी भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। फिर
पहले इस चीज़ को बढ़िया से नोट कर लें डायरी में, इसके बाद आगे बढ़ें। इसीलिए एजुकेशन पोर्टल पर ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन ऐड किया गया है। मैं समझता हूँ मेरा अभी तक का जो लेक्चर है, भाषण है, आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट करने के पश्चात अब आपको ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने के लिए तैयार होना है। तैयार होने के पहले आप अपनी मन स्थिति को बढ़िया अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद रजिस्टर एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। ये स्क्रीन आपके सामने होगी। यहाँ पर दोनों पार्ट में आपकी जो जानकारी है, कहीं ड्रॉप डाउन है, कहीं ड्रॉप डाउन नहीं है, उसको बढ़िया ध्यान से पढ़ करके आप इसको इंटर कर दीजिए। फिर रिपीट करूँगा, इन इस विंडो में जहाँ जहाँ पर ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है, जहाँ पर आप अपनी चॉइस के अनुसार सही वांछित जानकारी के अनुसार जानकारी भर सकते हैं, उसको बहुत ध्यान से भरिए, आश्वस्त होइए और इसके पश्चात ही रजिस्टर डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिए। रजिस्टर डिटेल्स पर क्लिक करने के पहले आप इसके दोनों पार्ट पर बहुत ही ध्यान से आप जानकारी को भरने के पहले, भरने के बाद आश्वस्त हो जाइए। इसके पश्चात आपको एप्लीकेशन को सफलतापूर्वक रजिस्टर करने के पश्चात अब मित्रों बारी है रजिस्टर चॉइस पर। इस पर आपको क्लिक करना होगा। रजिस्टर चॉइस पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछ रहा है, वैकेंसी कोड। तो मैंने जैसा आपसे अभी बताया, आपको निवेदन किया, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ कि आपको ये सारे जहाँ जहाँ आपको आवेदन करना है, जहाँ जहाँ वैकेंसी अवेलेबल है, उसका आपको पोस्ट कोड ज़रूर नोट कर लेना है। और वही पोस्ट कोड जब यहाँ एंटर करेंगे इस बॉक्स में, तो आपको वैकेंसी वहाँ पर आपको दिखेगी। जैसे मैं यहाँ पर एक पोस्ट कोड पेस्ट करता हूँ और व्यू वैकेंसी डिटेल पर क्लिक करता हूँ, तो ये आपको दिख रहा है। मतलब वैकेंसी खाली है और आप बड़े प्यार से यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर ध्यान से आप सुनिएगा, आपने वैकेंसी कोड इंटर किया तो आपको पूरी जानकारी दिख गई। अब यहाँ पर वैकेंसी भी आपको दिख रही है, दो खाली हैं, आप रजिस्टर कर सकते हो। बाय द वे, आपको पता नहीं है तो आप व्यू वैकेंसी डिटेल्स पर क्लिक करके फिर से आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसको डिलीट करके और व्यू वैकेंसी डिटेल पर आप जाएंगे तो नो वैकेंसी फाउंड पर आए पहुँच जाएंगे आप। तो मैं समझता हूँ दूसरा चरण भी सभी को समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात तीसरे चरण में आपको पहुँचना है, रजिस्टर चॉइस करने के बाद प्रिंट ड्राफ्ट एप्लीकेशन। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो फिर आपका एप्लीकेशन जो आपने रजिस्टर कर लिया, चॉइस फिल कर लिया, तो ड्राफ्ट एप्लीकेशन को आप प्रिंट करने के लिए इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। क्योंकि अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं केवल एक डेमो आपको दिखा रहा था, मैंने अभी रजिस्टर नहीं किया, इसलिए यहाँ पर स्वैच्छिक स्थानांतरण का कोई आवेदन नहीं मिला, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। आप जब इसको ढंग से ध्यान से जैसा मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप इस प्रक्रिया का पालन करेंगे तो ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक डेमो है ये, जो आपको किस तरीके से रजिस्टर करना है वो आपको दिखाया जा रहा है। तो मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आज की तारीख में आपके चिंतनशील मन स्थिति के साथ शेयर करना प्रासंगिक था। आशा है अभी जितना मैंने आपसे जानकारी शेयर की वो आपके लिए लाभकारी और बेनिफिशियल होगी। अगले अपडेट के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।